हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं फ्रॉम द टॉपिक प्रोबेबिलिटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके जो पहले के क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस वीडियोस में कवर्ड हैं, उनको तुमने जरूर रेफर कर लेना है। और बाकी चैप्टर्स के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुम लोग को प्ले लिस्ट में बहुत ही अच्छे से सीक्वेंस में मिल जाएंगे, तो उनको बोर्ड्स के पहले तुमने जरूर रेफर कर लेना है। तो करते हैं स्टार्ट हम लोग ये वाला क्वेश्चन। तो इट इज गिवन, देर आर फोर कार्ड्स नंबर्ड 1, 3, 5, 7, वन नंबर ऑन वन कार्ड, एक कार्ड के ऊपर एक ही नंबर लिखा है। देन टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी चार कार्ड्स है, चार में से दो निकालें, पहले एक निकाल के रख लिया फिर उसको वापस ही डाला विदाउट रिप्लेसमेंट। इस तरह के टर्म्स को बहुत ध्यान रखना है, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो एक एक करके निकाल लिया। देन एक्स डिनोट द नंबर, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू कार्ड्स। एक्स का क्या है यहाँ पे, रैंडम वेरिएबल हमारा, सम ऑफ द नंबर्स ऑन टू कार्ड्स, सो यू हैव टू फाइंड द मीन एंड वेरियंस। तो यानी पहले तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, उसके बाद मीन एंड वेरियंस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो नंबर्स ऑन द कार्ड्स आर 1, 3, 5 and 7, सो टू कार्ड्स आर ड्रॉन without replacement, ठीक है, without replacement है। इसका मतलब है sample space में हो गया 4 into 3, क्योंकि पहले निकालने के लिए 4 base, क्योंकि 4 थे, फिर एक बाहरी रखा है तो next के लिए 3 base, यानी sample space में हमारे हो गए 12 base। तो अब हमें find करना है x क्या है। x is the sum of the numbers on टू कार्ड्स। तो क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं, वन के साथ देखो क्या हो सकता है, वन के साथ 3 आ सकता है, वन के साथ 5 या वन के साथ 7। तो क्या क्या टोटल इनके हो सकते हैं, यहां पे हम टोटल लिख लें। तो इसका टोटल 4, इसका 6, इसका 8, और क्या हो सकता है फिर, 3 के साथ क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं। 3 के साथ 1 तो लेना नहीं है, ठीक है, तो इस केस में 1, 3, 3, 1 तो हमारा उसी केस में आ जाना है। अगर 3 है तो 3 के साथ 1 लेंगे तो यही वाला कॉम्बिनेशन आ जाना है, तो 3 के साथ 5 हो सकता है, देन 3 के साथ 7, इससे फिर हमारे इससे भी 8 आ गया, इससे 10, देन फिर 5 के साथ क्या कॉम्बिनेशन है, 5 3 वाला तो यही केस हो जाना है 8 टोटल का, इसीलिए 5 के साथ 7 दैट इज 12, ये पॉसिबिलिटीज है। इसका मतलब सबसे कम टोटल क्या पॉसिबल है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 4, 6, 8 दो बार है, दो बार नहीं लिखना, 10 और 12, ठीक है, ये चाहे तो यहां भी लिख सकते हो, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड, उसको समझना है बस हमने। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, तो x इज इक्वल टू 4, यानी टोटल ऑफ 4, तो सैंपल स्पेस तो हमने लिख दी है, इट इज 4 into 3, ये 12 था। अब 1 आना चाहिए, तो 4 टोटल आने के लिए क्या क्या बेस हो सकते हैं, या तो 1, 3 आ जाए या फिर 3, 1 आ जाए, दो ही तरीके हुए, पहले 1 बाद में 3 या पहले 3 बाद में 1, तो 2 वेज आ गए, ठीक है, तो इट इज 2 upon 12, बाद में कैंसिल करते हैं इसको। देन x इज इक्वल्स टू नेक्स्ट टोटल हमारा 6 है, तो 6 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, दो ही हैं, एक 1, 5 और दूसरा 5, 1, ओनली 2 वेज आ गए, तो इसके लिए भी दिस इज 2 upon 4 into 3, सो इट इज ऑल्सो 2 upon 12। देन x is equals to next is 8 के लिए देखो हमारे पास कितने वेज है, क्या क्या हो सकता है 8 के लिए, ये दोनों तरीके हैं, तो ये है 1, 7, 7, 1, और क्या हो सकता है, इट इज 3, 5 and 5, 3, तो टोटल कितने वेज हो गए, 4 हो गए, सो दिस इज 4 upon 4 into 3, यानी 4 upon 12। नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहां पर, नेक्स्ट इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 10। 10 के लिए कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, यहां पर 3, 7 and 7, 3, तो दो ही आ गए, तो इसका भी 2 upon 4 into 3। देन x इज इक्वल टू 12 के लिए भी तुमने देखा सिर्फ दो कॉम्बिनेशन, 5, 7 और 7, 5, ऑर्डर क्योंकि आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि 1 by 1 निकाली है, जब भी हम 1 by 1 निकालते हैं
विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, हमेशा ऑर्डर चेंज करके भी केस कंसिडर करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है. दिस इज ऑल्सो 2/4 × 3, दैट इज 2/12, दिस इज ऑल्सो 2/12. तो तुमने देखा सारे न्यूमरेटर्स में इवन नंबर है, तो इसको हम लोग थोड़ा और कैंसिल करके लिख सकते हैं 1/6. ये भी हमारा 1/6, इसको भी 6 में ही रहने देते हैं, तो दिस इज 2/6. ये भी कैंसिल किया तो 1/6, दिस इज ऑल्सो 1/6. एड करके देख लेते हैं यहीं पर ही, 1+1, 2+2, 4, 5 और 6, 6/6 आंसर 1 आ रहा है. इसका मतलब जो हमने अभी तक किया है वो करेक्ट है. तो अब हम इसका टेबल बना लेते हैं साथ साथ. अब x की वैल्यू क्या क्या आ रही थी हमारी, 4, क्या क्या हमारे पास, 4, 6, 8, 10, 12. तो 4, 6, 8, 10 and 12, इसको हम xi से भी डिनोट करते हैं. देन प्रोबेबिलिटी, इट इज p ब्रैकेट x, जो क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, दिस इज 1/6, नेक्स्ट इज ऑल्सो 1/6, फिर 2/6, 1/6 and 1/6, ठीक है. तो यहां पे तुम लोग फिर से एक बार देख लो कि सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके 1 आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर यहां तक ठीक है. नाउ आगे मेन निकालने के लिए एक कॉलम हमें और बनाना है, रो एक्स आई पी आई, यानी इनको मल्टीप्लाई करना है. तो कुछ भी कैंसिल मत करना, बस ऐसे ही लिखते जाना है. तो तुम लोग देखोगे कि कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाएंगी. देन फिर एक एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है, ठीक है. तो इसको इसको मल्टीप्लाई किया, 16/6, फिर इसको इसके साथ किया, 36/6, 8, 6 हो गया 48, 128/6, ठीक है. देन दिस इज 100/6, और इसको कैंसिल किया तो सॉरी मल्टीप्लाई किया, 144/6, ठीक है, ऐसा आ गया. नाउ नेक्स्ट इसमें मीन निकालना है. मीन के लिए हमें टोटल चाहिए, तो इसका टोटल हमें चाहिए समेशन एक्स आई पी आई. इसका अगर न्यूमरेटर्स ऐड करते हैं, 4+6, 10 हो गया, 10+10, 20, 36, और ये हो गया 48. तो इसका टोटल हो गया 48/6. सो मीन का फॉर्मूला इज समेशन एक्स आई पी आई. सो यू कैन सी इट इज 48/6 इज इक्वल टू, कैंसिल होके इट इज 8. तो मीन हमारा आंसर आ गया 8, ठीक है. देन नेक्स्ट इज वेरियंस. वेरियंस का फॉर्मूला समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस समेशन एक्स आई पी आई का होल स्क्वायर. अब इसका भी टोटल चाहिए हमको, तो इसका भी टोटल हमने करना है समेशन एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई. तो 6+6, 12+8, 20, 24, 2+4, 6 to 8, +3, 11, +1, 12, कैरी 1, तो ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है. तो ये वैल्यू हमने यहां रख दी, 4/24/6 माइनस, इसको लिखेंगे समेशन एक्स आई, दिस इज 8, तो 8 आ गया था, ऐसे स्क्वायर हो गया. इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं, तो यू कैन सी यहां पे 2 3s 2 2s 1 and 2, सो 2 1 2 / 3 - 64. ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, सीधा एलसीएम ले लो. सो इट इज 3, दिस इज 2 1 2 माइनस, इसको लिखा तो 3 4 12 3 6 18 19, माइनस किया, दिस इज 20 / 3, सो दिस इज द वेरियंस. सो वेरियंस भी हमारा कैलकुलेट हो गया, मीन भी कैलकुलेट हो गया, ठीक है. तो ये ध्यान रखना तुमने, दिस द वे इट शुड बी कैलकुलेटेड. तो बच्चे अगर अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करो, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स जो जूनियर्स हैं उनको भी गाइड करो, उनको भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहो. सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.